Hello guys, this is Yusra and I'm back with another video and today I'm doing this pink pink makeup look. I mean actually Valentine's Day ke liye kiya tha with the pink dress that I was wearing, but for some odd reason I forgot to post about it and uh, ab my post. Kar so this is how the look is. I curled my hair a bit and let's get started and see how it's done. So सबसे पहले हेलो और आज मैं सिर्फ आंखों पे फोकस करने वाली हूँ सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू प्राइम माय लिड्स विद दिस क्रायलिन का फाउंडेशन इट्स सो वियर्ड गाइज यहाँ आके मेरा सारा जो मेकअप का शौक होता था ट्राइंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड एवरी थिंग सब खत्म हो गया आई डोंट गो आउट एंड फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स आई डोंट नो वाई आई शुड रियली डू इट बट रूटीन थोड़ा टफ हो गया है नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस कलर स्टे बाय रेवलॉन आई रियली लाइक दिस पाउडर और वैंब आँखों पर लगा रही हूँ प्राइम करने के लिए आप पीछे मेरे कज़िन को देख सकते हैं इन द फ्रेम आई डोट नो वट ही इज़ ट्राइंग टू डू नेक्स्ट टाइम यूजिंग अ लाइट पिंक शेडो एंड आई एम जस्ट बिल्डिंग अप माई क्रीज और uh, हादी भाई जो है वो फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे थे एंड आई एम जस्ट बफिंग इट आउट ऑन माई आई एंड मूविंग इट थोड़ा सा ऊपर कैटाई इफेक्ट के लिए दोनों आंखों पे करना है फिर उसके बाद ये डार्कर शेड लेना है मैंने हुदे ब्यूटी न्यूट पैलेट से और उसी शेड के नीचे थोड़ा सा लगाना है आई एम नॉट श्योर वेर आई वॉज गोइंग विद दिस लुक क्योंकि मैंने वैलेंटाइंस डे पर शूट किया था और अभी शायद एक महीने से ऊपर हो गया है इसको एंड आई आई नॉट पोस्टेड इट तो मैंने कहा चलो पोस्ट कर देते हैं आम, इसको भी लाइक कैटा इफेक्ट की तरह विंग um, आउट करना है थोड़ा सा उस तरीके से लगाना है एंड बफ़ आउट करना है ब्लेंड करना है इन टू द स्किन एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस उसके बाद आपने क्या करना है कि आई एम जस्ट बफिंग एवरी थिंग इन और अच्छे से जो है वो कलर को डिफ्यूज़ करी ताकि ये ना लगे कि एक कलर जो है वो इधर है एक कलर उधर है एंड आफ्टर दैट आपने um, वट वॉज आई डूंग ओके आई आ टू एन अदर ब्रश एन आई टू का लाइटर कलर और अच्छे से डिफ्यूज़ आउट करी ऊपर से ताकि सारे शेड्स जो हैं वो ब्लेंडेड लगें और लेयर्स जो हैं वो नज़र न आएँ एक के ऊपर एक वट एल्स वट एल्स एम आई गोइंग टू डू मसला ये है कि मैं जब एक महीने के बाद ऑब्वियसली मेकअप लोग पोस्ट करी ना मुझे खुद भी नहीं याद है कि मैं कर क्या रही थी अच्छा अभी मैं डार्कर ब्राउन शेड ले रही हूँ और क्रीज को फर्दर डिफ़ाइन कर रही हूँ इतना डिफ़ाइन करना है क्रीज को कि मतलब क्योंकि मेरी होडेड आइज़ हैं तो मुझे अच्छा खासा डिफ़ाइन करना पड़ेगा इसलिए कि ताकि अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड हो जाए सब कुछ उसके बाद आई हैव टेकन दिस कंसीलर आई थिंक आई हैव टेकन इट फ्रॉम द हुदा ब्यूटी पैलेट ओनली और उसको जो है ना मैंने छोटे से ब्रश से अपनी हाफ आई को जो है ना वो कट कट क्रीज किया है कट आउट किया है आ, कंसीलर से एंड ये भी फर्दर अपनी आँख में डेप्थ डालने के लिए मैंने किया था एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट इसको जो है वो क्रीज से ऊपर बट इनर कॉर्नर ऑफ द आई में और उसमें अच्छे तरीके से करना है ताकि सब कुछ ब्राइटन अप हो जाए सो दैट्स एग्जैक्टली वाट आई एम डूइंग वंस योर कट क्रीज इज़ डन आपको वाइट कलर का शेडो मिल जाएगा इसी न्यूड पैलेट में और इसकी कॉपी में भी होता है जो न्यूड पैलेट की कॉपी आपको फायर ग्लो से मिल जाएगी तो उन दोनों पे ये मिल जाएगा उससे आपने सेट करना है फिर उसके बाद मैंने ब्राउन शेड से जो है वो बीच में जो एक लाइन आ रही थी उसको डिफ्यूज़ आउट किया है बिकॉज आई डेंट वांट के ऐसा लगे कि बस एक सब पिंक है और फिर बीच में एक वाइट है आई वॉन्टेड एवरी थिंग टू लुक ब्लेंडेड एंड वेरी नाइसली ब्लेंडेड टुगेदर तो मैंने ये किया है अच्छे तरीके से zigzag जैग मोशन में आपने ये काम करना है उसके बाद आईव टेकन अ डिफाइनर ब्रश और उसके डार्क ब्राउन कलर के साथ जो है वो अपनी वाटर लाइन और अपनी क्रीज और सब कुछ डिफाइन करके आई एम ट्राइंग टू टाई दी एंटायर लुक टुगेदर ताकि सब कुछ एक जैसा लगे एंड अच्छे तरीके से जो है मैं ये काम कर पाऊँ मैंने सोचा था मैं ऑस्ट्रेलिया आके इतना कंटेंट बनाऊंगी हर गली में यहाँ पे कंटेंट होगा और जो कि है सच्ची जो बात है मुझसे बनाया नहीं जा रहा अब मैंने ग्लिटरी शेडो लिया है और इस ग्लिटरी शेडो को लेकर मैंने अच्छे तरीके से अपनी क्रीज पे लगाया है फिर उसके बाद मैंने ऊपर जो है थोड़ा सा कंसीलर लगा के आई को डिफ़ाइन किया था अब मैं अपना मे का इनका स्कल्प्ट ब्राउ ले रही हूँ एंड जस्ट ब्रशिंग एवरी थिंग अप क्योंकि मैं यहाँ पर ब्राउज नहीं बनवा रही दैट्स वाई आई एम जस्ट डूइंग इट माई सेल्फ फिर उसके बाद पता नहीं मुझे क्या चुप चली थी कि मैंने हुदा ब्यूटी के पैलेट ये हॉट पिंक शेडो लेके ना यहाँ पे लगाया था आई एम नॉट शोर वर आई वो ट्राइंग टू डू कुछ तो मेरे दिमाग में था कि ये अच्छा होने है। लेकिन मेरे ख्याल से ना इट डिड नॉट वर्क आउट द वे आई वॉन्टेड इट टू आई वॉन्टेड लाइक Kylie जेनर का जो सल्ट्री um, सा लुक होता है ना कुछ उसकी कोशिश करी थी जब तो काम नहीं आया तो मैंने लाइट पिंक शेडो लेकर उसी के ऊपर uh, जो ग्लिटरी शेडो लगा दिया ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने मैं सब किया है सो आई थिंक दैट्स वर्ड आई वॉज डूइंग ये तो मेरे दिमाग में यही लग रहा है कि दैट दैट इज़ आई वॉज डूइंग लेकिन असल में मैं क्या करी थी क्या पता उसके बाद मैंने एक लाइनर लगाया है ओबियसली विंग लाइनर और टू मैच द लुक और ये मैंने अपना एक्वा लाइनर क्रायलन का यूज़ किया है दैट इज़ दी ओनली लाइनर आई हैव ओवर यर एक दिन मैं किसी दिन प्लीज़ आप बहुत सारे अगर इस वीडियो को लाइक्स दें और मुझे इतने पैसे मिल जाएँ तो मैं जो है वो एल्फ का मेकअप या किसी ड्रग स्टोर का मेकअप जाके लेकर जो ना मज़ेदार सा हॉल करूँगी एंड लेट मी नो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी मॉल्स हियर इफ़ यू वॉन्ट टू सी आई शॉपिंग ओवर हियर आई डू शॉप लॉट इट्स जस्ट यहाँ पे एक फॉरन कंट्री में कैमरा लेके घूमना मुझे थोड़ा सा uh, थोड़ा आई गेट एम्बेस्ड उसके बाद मैं ये वही uh, लाइन वो, uh, वो लेके पाउडर लेके रेवलोंग का आई एम जस्ट एज यू कैन सी डिफाइनिंग माई ब्राउज अबिट मोर और यह मैंने लगाया है फाउंडेशन फाउंडेशन जो मैंने लगाया था आई थिंक वो मैंने रिमेल का लगाया था काइंड एंड फ्री एंड फिर मैंने अपनी नोज़ कंट्रोल की एज़ पर यूजल आम दैट वॉज दी आई लोग अच्छा यहाँ पे आके ना मैंने लैशेस लगाना छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पे कोई इतना तैयार नहीं होता फिर मैं लैशेस भी लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत तैयार हो रही हूँ मतलब और मज़ा ना तैयार होने का पाकिस्तान में सच्ची जो बात है वेन यू गेट ड्रेस्ड यू गो आउट तो लोग आपकी तारीफ भी करते हैं देखते हुए यहाँ पर तो आप कैसे भी घूम घूम लें कुछ भी कर लें किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई तैयार भी हुआ हुआ है कोई नहीं कहेगा यू लुक वेरी नाइस कोई भी नहीं कहेगा सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी होते हैं तो यहाँ मुझे इतना मज़ा नहीं आता ऊपर से ओबियसली माई हजबेंड इज़ नॉट हेयर तो वैसे भी कोई मिर्ज़ा मेरी तारीफ करता था नहीं लेकिन वो है भी नहीं तो और ज़्यादा मैं होती हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ छोड़ो ऐसे ही गुजार लेते हैं ज़िंदगी एनी वे सो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रोल करना है क्वाइट हाई बाई वे ताकि मुझे फेस को लिफ्टेड लुक मिले फिर मैंने ये एले कलर्स का अपना ब्लश जो है वो लगाया है ऑन द नोज़ ऑन द चीक्स एवरीथिंग ताकि अच्छा सा फ्रेश लुक आ जाए उसके बाद मैं कुछ ढूंढ रही हूँ और मैं लॉरियल का ये लिप ब्लश ढूंढ रही थी ये जो है थोड़ा सा इसमें ग्लिटर um, स्पेक्स uh, हैं तो आई लाइक हाई लाइटिंग बिट विद इट एंड इट्स या इट्स काइंड ऑफ फन टू डू इट और फिर मैंने ये चीखती हुई पिंक लिपस्टिक लगाई है फ्रॉम माई फिजिशंस फॉमूला किट हेल्दी लिप किट आई एम नॉट श्योर इसका नाम क्या है लेकिन आप नहीं ये तो मेरी लिमैक्रॉन है लिमैक्रॉन uh, उसकी है लारील की सॉरी लिमैक्रॉन बाय लारील तो वो आप देख लीजिएगा उसके बाद लारील का मैंने लगाया है टेलीस्कोपिक इज़ माई फेवरेट मस्कारा एंड आई हैव कर्ल माई हेयर बिट सो दिस इज़ बट आई डिड विद माई हेयर मैंने बड़ा कैजुअली इनको कर्ल कर लिया था एंड दिस वॉज द वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक रेली बट नाउ आई कॉन्ट कॉल इड वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक सो दिस इज़ जस्ट अ पिंक 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 मेकअप लुक Um, and I hope you guys liked it. If you did, give it a thumbs up and subscribe to my channel. I love you guys. Take care. Bye bye.